वो आसमान को चादर की तरह फाड़कर उसको ड्रेस बना सकती है, वो तिल को उठाकर बिकनी बना सकती है, वो ऐसी महिला है जो जमीन को स्कर्ट बना सकती है, समंदर को स्कार्फ बना सकती है, पेड़ पौधों को उठाकर अपने गहने बना सकती है, केले के छिलकों से कपड़े ढक सकती है, वो चाहे तो किसी कबाड़ को निकालकर भी कूड़ा कचड़ा पहनकर अपने आप को एक नया फैशन ट्रेंड दे सकती है, सुई को पहाड़ बना सकती है। वो महिला है, वो उर्फी जावेद है, वो कुछ भी कर सकती है और वो कर भी। लेकिन इस बार उर्फी जावेद ने हत्या कर दी। एक ऐसा वीडियो बनाया जहां पर खुद को अरेस्ट होते हुए दिखाया और रीजन दिया गया कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। दिन भर तमाम टीवी चैनलों ने खबर चला दी, हम तो माथा पकड़े थे बिना वेरीफाई की कैसे खबर चलाते हैं, वो भी उर्फी जावेद थी कि वो अरेस्ट हो गई। लॉजिक हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन मुंबई पुलिस को हरकत बिल्कुल रास नहीं आई और शाम होते होते पोस्ट आ गया कि वन कैन नॉट वॉयलेट लॉ ऑफ लैंड फॉर चीप पब्लिसिटी। मतलब कहना चाह रहे थे कि नागिन भी दो चार घर छोड़ देती है यार, आप क्रिएटिविटी करो लेकिन हमारी मिक्स मत खेलो। और इसी चक्कर में बढ़िया ना पाए, आईपीसी की धारा 171, 419, 534 के तहत केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। वो जो दोनों महिलाएं पुलिसकर्मी बनी थी उनको उठा के अरेस्ट कर दिया गया है और गाड़ी को सीज कर दिया गया और उर्फी पर भी कार्रवाई हो सकती है। क्या मिला, नप गए? मतलब ठीक है, आपको भी समझना चाहिए क्रिएटिविटी और दायरा।